नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारु कौशिक। मंगलवार को एक बार फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अपराधियों ने आपदा को अवसर मान लिया है। इसके साथ पूनिया ने राज्य में रेप, आत्महत्याएं और बजरी माफिया के मुद्दे भी सरकार के सामने रखे। पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज के समाचार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मौतों के बाद गैंगरेप, दुष्कर्म, बलात्कार, आत्महत्याएं, बजरी माफियों के दुस्साहस, लूट, मिलावट, सट्टा, झांसा, नकबजनी, चोरी जैसे सुर्खियों से भरे हैं। लगता है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अपराधियों ने आपदा को अवसर मान लिया है। पूनिया ने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, राज्य में कोविड-19 से मृत्यु का एक बड़ा कारण ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति नहीं होना है। अशोक गहलोत जी की सरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। जयपुर में संक्रमण वृद्धि चिंताजनक है। रघु शर्मा जी कोरोना एडवाइजरी की कठोर पालना के साथ उपचार की और बेहतर कार्य योजना की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।